बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े शिक्षक पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग को पकड़ा जाना चाहिए, तो सरकार जैसे लगता है कि जांच बंद करवा देती है। बहुत सारे हैं जो TRE-4 में नहीं भर पाएंगे, तो मतलब क्या एक ही वैकेंसी को आप चार बार निकालते रहिए? मतलब आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, TRE-2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, इसका मतलब ये सरकार बचा रही है। बड़े मतलब मामला को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मामले को दबा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो कौन है BPSC अधिकारी भाई जिसने पेन ड्राइव का कोड बताया, क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? किसने क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी उस प्रिंटिंग प्रेस को दिया जो पहले से प्रतिबंधित है? उस अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि BPSC TRE 3.0 पेपर लीक हुआ, एग्जाम भी रद्द कर दिया गया। लेकिन देखिए यहाँ पे TRE-1 और TRE-2 में भी जांच की मांग उठ रही है, और वहीं TRE-2 में अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग उठने लगी। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप है। TRE-3 का जांच कहाँ तक पहुँचा, सबसे पहले ये बताइए। देखिए TRE-3 का जांच तो अब वही लग रहा है जैसे 67वीं BPSC का जांच हुआ, सिपाही भर्ती का जांच हुआ, रुक गया। उसी तरह इसका भी हो रहा है कि जब बारी आती है बड़े बड़े लोगों पर, कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े शिक्षक पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो लोग को पकड़ा जाना चाहिए, तो सरकार जैसे लगता है कि जांच बंद करवा देती है। और अभी तो कहा गया था कि बड़े बड़े शिक्षक इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, किसी का तो नाम नहीं आ रहा है, न ही किसी से पूछताछ हो रही है, न ही किसी को पकड़ा गया है, तो इसका मतलब ये सरकार बचा रही है। बड़े मतलब मामला को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, मामले को दबा दिया गया है सरकार के द्वारा। अगर आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाता तो आज तक वो शिक्षक का भी नाम आ जाता और वो शिक्षक भी गिरफ्तार हो जाते जो इसमें संलिप्त होंगे, वो अधिकारी, वो नेता भी गिरफ्तार हो गए रहते। लेकिन बिहार सरकार ने जांच को बंद करवा दिया होगा कि अब आगे नहीं करना है, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करना। सिपाही भर्ती में SK सिंघल पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई है आज तक? 67वीं BPSC में पेपर लीक हुआ, DSP तक अरेस्ट हुआ, उसके बाद BPSC ऑफिस के अंदर कोई क्यों नहीं अरेस्ट हुआ आज तक? जब कहा गया कि BPSC ऑफिस से कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, तो BPSC ऑफिस के अंदर का कौन था वो स्टाफ, कौन था अधिकारी, क्यों नहीं उसको? इसमें भी कहा गया ना कि BPSC ऑफिस के अधिकारी ने पेन ड्राइव का कोड बताया, तो कौन है BPSC अधिकारी भाई जिसने पेन ड्राइव का कोड बताया, क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? किसने क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी उस प्रिंटिंग प्रेस को दिया जो पहले से प्रतिबंधित है? उस अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? तो ये मामले को अब दबाया जा रहा है, और ये जो पेपर लीक का जो अरबों रुपए का जो ये पैसा हुआ है, इसका जो है सो कहीं ना कहीं चुनाव में लोग भुना रहे हैं, और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, और इसमें सभी पार्टियां बड़े मछलियों को बचाया जा रहा है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी मछलियों को बचा लिया गया है, और इसमें सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता शिक्षा माफियाओं को बचाने में लग गए हैं। और ये जो शिक्षा माफिया हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लोग नेताओं को पैसा पहुँचा रहे होंगे, और यही वजह है कि अब कोई बड़े बड़े शिक्षक पे कार्रवाई नहीं हुई। नहीं तो अखबारों में खबर छपी, सब जगह आया कि कोचिंग माफिया रडार पे पटना के, तो कौन कोचिंग माफिया था भाई, कौन कोचिंग शिक्षक था, क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? तो ये मामले की लिपापोती की जा रही है। और बिहार की जनता 14 करोड़, बिहार के छात्रीवा तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब बिहार की 14 करोड़ जनता भी देख रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी पार्टी सरकार में रहने पर क्या कर रही है और विपक्ष में रहने पर क्या कर रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, और ऐसे मामले जब भी आते हैं तो मिलके लिपापोती कर लिया जाता है। दिलीप जी, सवाल एक ये भी है, TRE-1 और TRE-2 में भी जांच का मांग उठ रहा है, मामला हाईकोर्ट तक पहुंच रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम TRE-3 में ये चाहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं उस पर कार्रवाई हो, उसको पकड़ा जाए। BPSC TRE-2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, क्योंकि 49,000 सीट उसमें खाली है, 122,000 पे आप जब निकाले वैकेंसी, तो 122,000 पे आपको पूरा करना चाहिए। क्यों नहीं किया आपने? 49,000 सीट उसमें क्यों खाली है? 73,000 पे ही नियुक्ति हुआ है, 49,000 सीट खाली, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE-2.0 का जारी हो। आज भी छात्र यहीं पे, देखिए छात्र सड़क पर है, छात्र छात्राएं सड़क पे हैं मिलर स्कूल मैदान में, हम भी उनके समर्थन में आए हैं मिलर स्कूल मैदान में। आज धूप में जो है सुबह से लोग अभी तक खड़े हैं, अभी 3 लगभग बज रहा होगा, और सुबह से वो लोग 10 बजे से खड़े हैं, हम भी उनके समर्थन में आए हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, और TRE-2 और TRE-1 का तो जाँच होना ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार बोल रहे हैं, आप भी आवाज उठाए। TRE-1 का जब रिजल्ट आया था, TRE-1 का रिजल्ट आया था, उसके बाद भी हमने आंदोलन किया था 25 अक्टूबर 2023 को, जिस दिन हमारे साथ पुलिसकर्मी ने बदतमीजी किया था, और उस दिन हमने मांग किया था कि भाई TRE-1 के रिजल्ट की जाँच हो, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद फर्जी STET सर्टिफिकेट, फर्जी CTET सर्टिफिकेट, और
बायोमेट्रिक में हेर फेर करके स्कॉलर बैठा के बहुत सारा सेटिंग हुआ है। अब TRE2 में तो जिस तरह से कट ऑफ गया है ज़्यादा, तो उससे तो लग रहा है कि हो सकता है इन लोग को क्वेश्चन भी पहले मिल गया हो, आंसर मिल गया हो। तो इसलिए अब TRE2 TRE1 की भी जाँच होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है अभी कि TRE3 में जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं, जो मगरमच्छ सब है, उसको पकड़ा जाए, क्योंकि वो जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटते TRE1 TRE2 में। अगर कोई ये कह रहा है कि TRE1 TRE2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लगता है नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार जी अपने हाथों से बांटे हैं? भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, हम छात्रों को गुमराह नहीं करना चाहते हैं। तो TRE1 TRE2 कैंसिल कराने की जो बात कुछ लोग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने खुद नियुक्ति पत्र बांटा है, लोग नियुक्त होकर नौकरी भी कर रहे हैं, तो इसमें यही हो सकता है बेस्ट उपाय कि सरकार जांच करवाए और उसमें जो फर्जी तरीका से इन किया है उसको बाहर किया जाए। जो ईमानदारी से गया है वो तो नौकरी करेंगे, जो फर्जी तरीका से गया है, कोई धांधली सेटिंग करके, उसको बाहर किया जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या सरकार ऐसा करेगी, TRE2 TRE1 की जाँच करवाएगी और फर्जी लोगों को बाहर करवाएगी? सरकार की ईमानदारी पर तो संदेह हो रहा है, क्योंकि जो सरकार बचा रही है अभी बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को, बड़े बड़े नेता अधिकारी और टीचर को पेपर लीक में, क्या वही सरकार TRE2 TRE1 की जांच करवाएगी? मुझे तो नहीं लगता है, मैं ऐसे स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। 67वीं BPSC पेपर लीक मेरे सामने है कि उसकी जाँच का क्या हुआ, सिपाही भर्ती का जाँच का क्या हुआ, BSSC CGL का क्या हुआ, सब सामने है। तो ये तो सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही। वजह क्या होता है, क्योंकि जाँच शुरू होती है, कुछ दिन तक चलता है, फिर उसके बाद वजह यही है कि सरकार के लोग इसमें संलिप्त रहते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त रहते हैं, यही वजह है कि उनको बचा लिया जाता है बाद में, यही वजह है, और कोई वजह? बड़े बड़े शिक्षक हैं जिनका राजनीतिक पहुंच है, बड़े बड़े नेताओं से उन लोग का चलता है, साठ गांठ चलता है, मिलना जुलना होता है, तो ये लोग पैसा पहुँचाते हैं, शिक्षक लोग जो इसमें संलिप्त रहते हैं, बड़े बड़े नेता को पैसा पहुँचाते हैं, बच जाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है दिलीप जी की, अभी TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग उठ रहा है, आपने भी जिक्र किया, लेकिन इतने दिनों तक काफ़ी लंबे समय से ये लोग अपनी मांग को लेकर भटक रहे थे, इन लोग की बातें नहीं मानी गई, 3.0 भी आ गया, लेकिन अब ये लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, मांग बिल्कुल सही है इन लोगों का ना जी, क्योंकि जो सीटें खाली रह गई तो उस पर आप वैकेंसी, आपने जितने सीटों पे वैकेंसी निकाली थी उतने पे आपको नियुक्ति करना था जी। ये BPSC की गलती थी कि उन्होंने बगैर काउंसलिंग के रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने से पहले काउंसलिंग करवाना चाहिए था ना, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, कुछ चीज़ की कमी होती, उसको पहले ही बाहर किया जाता, या काउंसलिंग आप पहले करवाए तो सीट से ज़्यादा लोगों को काउंसलिंग में बुलाते, यही होता है कहीं भी देखिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितना सीट है उससे कम रिजल्ट ही जारी किया, जितना सीट पे वैकेंसी है उससे तो कम पे रिजल्ट ही जारी हो रहा है, तो यहाँ कहाँ से सीट भरेगा? तो ये अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। कट ऑफ के बराबर लोग हैं, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिली, बाहर कर दिया गया, सीट खाली, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से बाहर कर दिया गया, जबकि सीटें खाली है, और इधर पेपर लीक हो रहा है, एज खत्म हो गया हजारों स्टूडेंट्स का, वो TRE 3 में नहीं भर पाए, बहुत सारे हैं जो TRE 4 में नहीं भर पाएंगे। तो मतलब क्या, एक ही वैकेंसी को आप चार बार निकालते रहिए? मतलब आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर? बिल्कुल, TRE 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता दिलीप थे। आपको बताते हैं कि जिस तरीके से BPSC TRE 3.0 पेपर लीक हुआ, एग्जाम को रद्द किया गया, हालांकि अब देखिए जाँच कहाँ तक पहुँची और क्या कुछ हो रहा है, तमाम चीज़ों की जानकारी दिलीप दे रहे थे। इनका साफ साफ कहना है कि सरकार बड़े मछलियों को बचा रही है, वही TRE 1 और TRE 2 को लेकर इन्होंने साफ साफ कहा कि जांच TRE 1 और TRE 2 में होनी चाहिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग उठ रहा है, इसको लेकर भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि TRE 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना ही होगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।